वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट भौरंग की 104वीं जयंती का आयोजन पंडित ओमकारनाथ ठाकुर सभागृह में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे की प्रार्थना से हुई। इसके बाद भौरंग जी के शिष्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बांसुरी वादक डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर कुमार अम्बरीश चंचल ने विभिन्न रागों की प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कलाकार और विद्यार्थी उपस्थित रहे। मेरा नाम राहुल भट्ट और आज जिनकी 104वीं जयंती हम मना रहे हैं, पंडित बलवंत राय भट्ट जी, मैं उनका पुत्र हूँ। और जहाँ तक इस संकाय के सभागार में इस आयोजन की बात है, इस संकाय की स्थापना के प्रथम दिन से लेकर लगातार 31 वर्ष तक वो इस संकाय में सेवारत रहे और सरकारी तंत्र के अंतर्गत रहते हुए भी एक गुरुकुल जैसी शैली उन्होंने विकसित की, स्थापित की। उस समय के अन्य संकाय के विद्यार्थियों को यहाँ की उदाहरण देकर बताया जाता था कि संगीत संकाय में कैसी गुरुकुल व्यवस्था है, विद्यार्थी और गुरुजन के बीच कैसा संबंध है। किसी को रहने की समस्या हुई तो उसको पिताजी ने घर पर जगह दी, किसी को वाद्य की समस्या हुई तो उसको अपने पास से वाद्य उपलब्ध कराया। यहाँ तक कि अपने निजी करियर की उन्नति के लिए 2 या 3 बार ऐसे मौके आए जब विद्यार्थी हित में परीक्षाएं होने की वजह से उन्होंने उन अवसरों को तिलांजलि दी और विद्यार्थी हित को पहले रखा। इसलिए हमारे लिए वो ऋषि तुल्य मूर्ति सदा स्मरणीय है। उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज ये इस कार्यक्रम में पहले जैसा आपने देखा होगा, प्रार्थना का नेतृत्व डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने किया। उसके पश्चात उनकी एक पुरानी पंडित जी की ध्वनि मुद्रिका हमने विद्यार्थियों के बीच सुनवाई और उसके बाद एक कार्यक्रम वादन का, वंशी वादन का, जो डॉक्टर राकेश कुमार जी प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके बाद गायन है डॉक्टर कुमार अम्बरीश चंचल जी का। ये सभी स्वरांजलि भावरंग जी के चरणों में अर्पित है।